गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, वो है जादू और धर्म। तो जादू और धर्म यानी मैजिक और रिलीजन, तो इन दोनों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जादू किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। धर्म का जो चैप्टर है वो मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। तो मेन आज हमारा फोकस जो है वो जादू की तरफ रहेगा। धर्म के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी और जादू के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो अगर धर्म और जादू इन दोनों की हम बात करते हैं, तो धर्म एवं जादू दोनों का ही संबंध जो है वो अलौकिक शक्ति से होता है। दोनों का संबंध मानसिक तनावों एवं उद्योगों से मुक्ति दिलाना है। फिर भी दोनों में अनेक अंतर होते हैं। धर्म में हम अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना करते हैं, व्यक्ति उसके सम्मुख झुकता है, जबकि जादू में व्यक्ति जो है वो अलौकिक शक्तियों को आदेश देता है, उसे अपने नियंत्रण में करता है। धर्म को पवित्र एवं जादू को जो है वो अपवित्र माना जाता है। धर्म सामाजिक तथ्य है और जादू जो है वो व्यक्तिगत क्रिया है। धर्म में प्रार्थना सफल व असफल हो सकती है, लेकिन जादू में सफलता की ही कामना की जाती है। जादू में विज्ञान की भांति कार्य कारण पर जोर दिया जाता है और धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जादू और धर्म के बारे में बताया। तो धर्म हमारा क्या हो गया? धर्म में जो है हम अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना करते हैं। मान लीजिए कई हमारे हिंदू समाज में ही देख लीजिए, या आप भारत देश में देख लीजिए, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, पंजाबी हो या मराठी हो, कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो धर्म आपके हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो इस तरीके से कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसके अंतर्गत कई भाषाओं को मानने वाले लोग भी रहते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो। तो धर्म जो है उसमें क्या है कि धर्म में जो है वो प्रार्थना आपकी सफल व असफल हो सकती है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। लेकिन जादू में क्या है? जादू एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अलौकिक शक्ति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करता है और उसके द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूरी करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जादू को लेकर के कुछ जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। उसमें मेलिनोवस्की ने बोला है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। तो मेलिनोवस्की ने जादू को जो है वो दो रूपों में बताया है, सफेद जादू और काला जादू। तो सफेद जादू जो होता है इसका उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होता है और उसे समाज की तरफ से अनुमति होती है कि वो लोगों के मनोरंजन व भलाई के रूप में इसका प्रयोग जो है वो करें। अब दूसरा जादू जो है वो काला जादू होता है। ये जादू जो है वो दूसरों को हानि पहुंचाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन जो है वो फ्रेजर ने दी है। फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिसकी किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। वे जादू को एक आभासी विज्ञान एवं आभासी कला जो है वो मानते हैं। अब फ्रेजर के अनुसार जादू जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू। तो इस अनुक्रमात्मक जादू का अर्थ होता है समान क्रिया का समान परिणाम अर्थात समानता के नियम पर आधारित। जैसा जादू करेंगे वैसा ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा है सांसर्गिक जादू। तो जादू में संपर्क किया ससर के नियम पर आधारित होता है। जो वस्तु हमारे संपर्क में एक बार आ जाती है
तो वो हमेशा हमारे संपर्क में ही रहती है। उन वस्तुओं पर जादू करे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, कपड़े हो गए, ये इन चीजों में। अब अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो जादू एक प्रदर्शन कला है जो पूरी तरह से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके असंभव व अलौकिक कर्तव्यों का भ्रम पैदा करने वाले दर्शनों का मनोरंजन करती है। इन कर्तव्यों को जादू की चाल या प्रभाव या भ्रम कहते हैं। जो इस तरह के भ्रम करता है उसे जादूगर कहा जाता है। धर्म की बात करें तो धर्म और जादू कई समानताएं प्रकट करते हैं। दोनों अदृश्य शक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं। वे केवल अनुयायी या आस्तिक विश्वास के आधार पर कार्य करते हैं। धर्म और जादू दोनों को दैनिक जीवन की आशंकाओं, अनिश्चितताओं से निपटने के मानवीय प्रयासों के रूप में समझाया जा सकता है। धर्म और जादू दोनों में कुछ तकनीकों का उपयोग करके अलौकिक शक्ति को विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशित करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। जबकि धर्म को आराधना द्वारा परिभाषित किया गया है, जादू को अलौकिक शक्तियों या संस्थाओं एवं प्रभुत्व या नियंत्रण द्वारा परिभाषित किया गया है। हम जादू की बात करते हैं तो जादूगर की लोकप्रियता कहला का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो एक खरगोश को टोपी से बाहर निकालता है या चीजों को गायब कर देता है। जैसे जादूगर सिर्फ मनोरंजन करने वाले हैं, भ्रम फैलाने वाले, जो हमारी आंखों को धोखा देने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। धर्म है आपका, धर्म जो है वो अज्ञानिता ईश्वर के प्रति हमारी संपूर्ण पूजा के रूप में बाहर आता है। धर्म को विश्वास और पूजा की आवश्यकता होती है। जादू जो है वो नियंत्रण चाहता है। धर्म के लिए हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है और जादू जो है वो हेर फेर के माध्यम से दूसरों को